पूरा देश आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहा है। बावजूद देश के मजदूर आज भी काम की तलाश में सड़कों में ठोकरें खाते ही नजर आते हैं। राजधानी रांची की बात करें या पूरे झारखंड की, तो झारखंड राज्य में भी सरकार की ओर से मजदूरों को दर्जन भर से ज़्यादा योजनाओं से जोड़ा तो जाता है, बावजूद ये बैरंग बिना काम किए घर वापस लौट जाते हैं। सरकार की ओर से 100 दिनों का काम भी 100 दिनों का रोजगार भी कहा जाता है, लेकिन इन मजदूरों को 100 दिनों की जो मजदूरी होती है वो भी मयस्सर नहीं होती। इन मजदूरों से ही बात करते हैं। बाबा, आज मजदूर दिवस है, हमेशा आप लोग मजदूरी करते हैं, सरकार की तरफ से जो आप लोगों को योजनाओं में लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या क्या योजना कुछ लाभ मिलता है कि नहीं से कोनो पते नहीं चलता है, ना हम लोग को मालूम है क्या लाभ मिल रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है। अच्छा, 100 दिन का काम सर बोलता है साहब लोग की 100 दिन आप लोग को एक साल में रोजगार मिलेगा, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, 100 दिन का काम बोलता है लेकिन कहाँ रोजगार मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा, कहाँ से आते हैं बाबा आप लोग? हम लोग आते हैं नवजुआ स्टेशन से बैठते हैं, घर तो है चनकोटी। आज मजदूर दिवस है, मजदूरों को सरकार की ओर से क्या क्या योजना का लाभ मिलता है? कहाँ लाभ होता है भैया, लाभ कुछ मिलते करता है, कुछ लाभ नहीं देता है। एक दिन का मजदूरी कितना मिलता है आप लोग? 500 भैया, 500। एक महीने में कितना दिन आप लोग को काम मिलता है? एक महीना में 15 दिन मिलता है भैया, 15 दिन। 10 दिन मिला, 10 दिन मिला तो काफ़ी है। मजदूरों का कहना है कि महीने में 15 दिन भी नहीं बल्कि 10 दिन ही काम मिलता है। ऐसे में अगर साल भर की बात करें तो 12 दहा 120, यानी 120 दिन काम मिल तो जाता है, लेकिन कैसे कैसे इन लोगों को तकलीफ़ होती है ये इन लोगों के ज़बान से ही सुनना चाहेंगे। आप कहाँ से आते हैं मजदूरी करने? मसियातू से। अच्छा, मजदूरों को जो सरकारी लाभ मिलता है योजना का, वो सब मिलता है आप लोग? राशन कार्ड ही सब बना हुआ आप लोग का? मेरा राशन कार्ड बना हुआ है। अच्छा, आज मजदूर दिवस है, आज भी लेकिन आप लोग बैठे हैं, काम मिला कि नहीं? नहीं मिला। कितना बजे से बैठे हैं यहाँ? 9 बजे से। तो सुबह 9 बजे से यहाँ आकर लोग बैठे रहते हैं, इन लोगों से बात कर। चाची, ये बताओ, आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस में सरकार की तरफ से जो आप लोग को मिलता है मजदूरी, 100 दिन का मजदूरी, या फिर ऐसे आप लोग यहाँ काम करने आए हैं, काम मिलता है सही समय पर? नहीं मिलता है काम हम लोग को सही सलामत। काम सरकार को देना चाहिए ना कुछ। महीना में कितना दिन काम मिलता है आप लोग? महीना में 2-4 दिन मिलता है और काम ही नहीं मिलता है हम लोग को। तो घर परिवार कैसे चलता है? कैसे चलेगा, बाल बच्चा को हम लोग कैसे पोसेंगे ऐसा में काम ही नहीं मिलेगा तो? इसलिए हम लोग बच्चा सब को पढ़वाने भी नहीं सकते हैं, खाने नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ाई लिखाई करवाएंगे हम लोग अच्छा से। एक दिन का मजदूरी कितना मिलता है? कितना, 400 देता है कोई, 350 देता है। तो मजदूरों का कहना है कि मेहनत मजदूरी करने के बावजूद घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। आगे हम बात करेंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गिरगांव से आते हैं। अच्छा, तो मजदूरी आप लोग करने जाते हैं तो क्या काम मिलता है आप लोगों को? मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो सरकारी योजना का लाभ भी मिलता है आप लोग को? राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का होता है वो सब का है? पेंशन नहीं मिलता है हम लोग को। अच्छा, राशन कार्ड मिलता है। आपका क्षेत्र में, आपका गाँव में है, सबको मिलता है? नहीं नहीं मिलता है। राशन कार्ड बना हुआ आप लोगों का? हाँ बनल है, राशन मिलता है हम लोग को। आज मजदूर दिवस है फिर भी आप लोग को काम नहीं मिला? नहीं, काम कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, हम लोग आपस भी चल जाते हैं, क्या करेंगे, मिलवे नहीं करते। ये बताइए, कल मोदी जी अपना मन का बात बोल रहे थे, आप लोग सुने थे? नहीं सुने। रेडियो है आप लोग के घर में? नहीं है रेडियो। नहीं है तो मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी जो अपनी योजनाएं रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, दुख व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके घर में ना रेडियो है ना टीवी है ना बाकी सुख सुविधाएं, लेकिन 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं इन तक नहीं पहुँच पाता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाना कहीं ना कहीं
एक तरह से चिंतनीय विषय है कि आखिर इन मजदूरों को भी ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता। ज़रूरत है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी इस तरह की चीज़ों को सामने लाने की, मजदूरों की परेशानियों को निष्पादन करने की, ताकि ऐसे लोगों के घर में भी चूल्हा चौका लगातार जलता रहे। यहाँ तक कि 100 दिनों का जो इनको काम दिया जाता है वो भी इन्हें नहीं मिलता। तो फिर आखिर 100 दिनों का ही क्यों, 100 दिनों के बजाय 365 दिन, साल में 365 दिन इन मजदूरों को काम क्यों नहीं मिलता, ये भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।